ये लो जी भाई दर्शन करके आ। एक लड़का जो भी आ रही हो हम उसको कैमरा मैन बनाया था मैंने, कहो ना तो गाली सुनेगा। आगे गिरेगा अपने पैसा नहीं खाया हुआ। किस्सा हो फोटो की चलो उसको सर एक बार हंसता दे अरे भैया सुने। तो हेलो जी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी का टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे और हम भाई 5 बजे उठ गए थे क्योंकि हमको जाना था आज भोजपुर मंदिर। बस नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, मेरे कपड़े में प्रेस नहीं था और मेरे घर का प्रेस खराब है तो मैंने प्रेस की जुगाड़ करने के लिए ड्रायर लगा थोड़ा कपड़े में हाथ मले, पर भी अभी भी कपड़े में थोड़ा बहुत वो मतलब कि सुकड़े टाइप के हैं तो उनको पहनते हैं। बाकी अजय और विजय और अजय तो रेडी है, विजय और पवन आ रहे हैं डायरेक्ट निकलते हैं। हो सके मोटर ब्लॉगिंग भी शूट करूंगा, नॉर्मल ब्लॉगिंग शूट करूंगा क्योंकि मोटर ब्लॉगिंग जाने के पूरा दिखा दूंगा और ये जो नॉर्मल ब्लॉगिंग रहेगी ना इसमें पूरा भोजपुर का दिखाऊंगा क्योंकि देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है ना तो आप लोग देखोगे ना देखने मजा आता है। देखो मैं सीधी बात बताऊँ तो बस अभी वो लोग आ जाए रेडी होकर निकलते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों को रास्ते पे और दिखाते हैं ये मजे। और आज हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मंडे है और सावन चल रहा है, मंडे अगर है और सावन चल रहा है तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसलिए भाई जल्दी जाएंगे, जल्दी फ्री होकर घर आ जाएंगे। इसलिए हमने सोचा चल लेते हैं और लोग अपने जॉब पे भी चले जाएंगे, जहाँ जाना होगा लाइब्रेरी जाना हो जाना चले जाएंगे, बाकी अपन तो दुकान पर रहेंगे अभी, बाकी जॉब देख रहे पुणे से आने के बाद। ओके चलते हैं अभी बस। लो भाई कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो चुके, बस विजय लोग का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग आए उसको डायरेक्ट निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत शॉप पे आना बैठता हूँ उसके बाद फ्री होता है और डायरेक्ट निकल लेते विजय लोग जैसे ही आते ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से रास्ते पे। तो चलो जी अभी अजय को हमने ले लिया, गोरा ज्यादा आ गया ये बैठा है ये साला। हम दोनों जो सबसे पहले तैयार हुए हैं इसको फोन लगा था पवन घर पे उठाया गया था, बाकी विजय का तो पता नहीं विजय खुद उठाते पर लेट उठाया था, बाकी हम दोनों तो सबसे पहले रेडी होकर खड़े थे यहाँ। क्यों अजय? अच्छा वो लोग भी आई है। चलो जी ये देखो ये दोनों आ चुके हैं भाई, सबसे लेट तुम ही हो, सबसे लेट समझे। हाँ जी मंदिर के लिए भी हम ऊपर से चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत लंबा है। हाँ ले रहे आगे दोस्त खड़ा है ना, हमारा दोस्त खड़ा है आगे, इसके नंबर दिया था मेरे को जॉब के लिए। चलो जी अभी ऊपर चल रहे ठीक है यहाँ से, और भीड़ ना काफी ज्यादा भीड़ है काफी ज्यादा भाई। पवन रिश्तेदार है ना? हाँ तेरे पहचान वाले ना? लेगा नहीं हमें ऐसा चाहिए झोला वाला चाहिए। चलो जी अभी यहाँ से प्रसाद लेंगे उसके बाद फिर ऊपर निकलेंगे। हाँ कहाँ से लेना है? चलो ले लो आप, बोलना झोले वाला चाहिए भाई। चलना तू नहीं लेगा? 30 रुपए का भाई, 30 रुपए 40 रुपए लूंगा साहब से, हिसाब करके रख रहा हूँ मैं ना अबे, जो खर्चे कर रहा हूँ जहाँ खर्चे सारे हिसाब कर रहा हूँ ना मैं। पार्किंग तू देगा भाई? गाड़ी किसके हाथ में थी? किसके हाथ में थी जान दो, पर्चा मेरे पास 10 रुपए और देना। अच्छा चलो जी मंदिर आ चुके हैं, ये भीड़ तो सही है अभी तो बम लेके जाएगा तब आ जाएगी। अबे नहीं देखना आवाज आएगी टी 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 भाई तेरे जेब में कुछ है कुछ है तेरे जेब में भाई, लाइन में कौन लगेगा? सभी लगेंगे लाइन पे। अबे आज बीच में भी जाने दे रहे? हाँ तो आज जाने दे रहे ना, भीड़ कम है। अरे तो अभी देखना शाम शाम होने तक नहीं जाने देंगे। मैं ऐसे जूते क्यों पहन के आया हूँ? अरे वो बोल रहा है उसके भाई का होगा ना तो गाली सुनेगा। पवन भाई किस लिए गाली सुनेगा? इसलिए भाई सोच रहे यार अच्छी जगह उतारो भाई, मैं तो यहाँ देख मैं इसीलिए देख ऐसे उतार दिया, मेरे कोई नहीं पहन के जाएगा, कौन पहन के जाएगा, कौन बोलेगा फटे जूते लेना है भाई। लो जी आरती चालू हो गई ऐसा लग रहा है। हाँ सही लग रहा है मेरे को, आ जाओ भीड़ कितनी ज्यादा है, बहुत बढ़िया। क्या जी लाइन लगी है भाई? लग सकते लाइन पे भाई, भाई लाइन भी लग सकते हैं, ज्यादा लंबी नहीं है सच में, बस कोई पहचान का दिख जाए भाई। चलो जी यहाँ पे हमें लाइन पे लगना पड़ेगा, ऊपर बंदर नाच रहे क्या बात है। हाँ वही तो नहीं है, बाकी यहाँ से आते थे अभी बीच में, यहाँ से लैंडिंग चालू हो गई थी यहाँ से, बाकी इधर से भाई देखो
चलो जी लाइन लग चुके हैं अभी हम, देखो बढ़िया है पर पवन पवन आ जाओ इससे ठीक है, चलो साथ चल रहा ना, हाथ इधर से आ जाना, बम बम बोले बम बम बोले 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 चलो साहब आगे फोटो नहीं खींच साहू, फोटो खींचना कानूनन जुर्म है भाई। भाई क्या सजाया गया भाई मंदिर को जी, अंदर आ चुके हैं और अभी एक राउंड लगा लेते हैं हम लोग, बाहर तो करने के बाहर भी अगर किसे नहीं है हाँ, यहाँ खड़े होकर भी कर सकते हैं, ये लो निकल लेते हैं आगे, चलो निकले यहाँ से। दुकान विजय का है पता नहीं, विजय विजय किधर है विजय भाई, अब भीड़ होगी भाई एकदम तेजी में, नाश्ता करा तो धीरे चलो। भाई दर्शन करके आ चुके हैं सारे लोग, ऐसे थोड़ा मंदिर दिखा दो हाँ भाई, ये सब थोड़ा सा आज हम किसको कैमरा मैन बनाया था मैंने, कैसे लगा भी आज कैमरा मैन बन के लगा, बस वो पैसे देना उसके भाई पैसे मांग रहा विजय, पैसे मांग रहा ये चलो अच्छा, मुझे हटा रहा भाई, उनको नहीं हटा रहा, मुझे हटा रहा वो भाई बोलेगा मैं क्यों हटूं, शर्मा मत कोई नहीं है पहचान का तेरे, सर एक बार हंसते दे मंदिर आया पार्क, पार्क चश्मा उतार दे, मंदिर आया है पार्क में नहीं, चश्मा तो उतार दे, ले ले सर सब ले। तेरा जूता बच गया, मेरे ही बच गया, विजय का ही बच गया, यहाँ जूते सबके बच जाते हैं भाई, जूते तो ढंग के पहन क्या एक ही बार तो पहन के गया था ना मैं। चलो जी मंदिर दर्शन करके हम निकल चुके हैं भाई, यहाँ रुकेंगे पार्क साइड चलेंगे भाई, पार्क तो बंद है जी, यहाँ से देखो जी पार्क है जी, क्यों कौन करता है, पवन जैसे लोग करते हैं भाई सुसर, अब इधर वाला खोल दिया, अब इधर नीचे जा सकते हो तुम, बंदर कहाँ गए, बंदर कहाँ गए, पापा बोल दे एक बार रिकॉर्डिंग में, चलो हाँ यार चलते यार भाई, अभी हम निकल चुके हैं और ये भगवान भाई दर्शन करते हैं भाई, कैसी कैसी बातें करो तो मंदिर में आके लड़की चढ़ जाएगी, क्यों विजय कैसी कैसी बातें करते लड़की चढ़ जाएगी, हो जाएगी मंदिर में क्या भाई, बस वो कुछ नहीं भगवान के यार, ये अंकल कितना अच्छा काम कर रहे भाई, तू भी कर ले, हाँ मैं करूँगा ना घर जाके लगा, अभी पानी भरूंगा पोछा लगाना पड़ता है ना मेरे को, क्यों पानी भर पोछा लगाना पड़ता है ना यार, पहले हेलमेट उठाता हूँ, सबसे पहले टेंशन मेरी हेलमेट वाली है, आंटी कहाँ गई, आंटी क्या क्या मिठाई अच्छी है, टेस्ट करा के देगा, फेमस पेड़ा है वो, टेस्ट करा के देगा, अरे अच्छा लगता है वो, मगर 150 रुपये, चल देख लो ना पूछ लो पहले रेट, कुछ भी ले लो हम तो खा लेंगे, तू ले लो ना पीछे उतर रहे, हाँ भाई सुबह 8 बजे मैं भी देख रहा हूँ, मेरे को वो चाहिए तुलसी वाला माला चाहिए यार, अच्छा वाला है कि नहीं है इनके पास, ये देखना पड़ेगा चुके हैं जी, अभी यहाँ से गाड़ी लेने जा रहे हैं और ये ले ली हमने, पहले अभी हम गाड़ी कहाँ खड़ी है भाई, तेरी गाड़ी देख अंदर साइड है हाँ, तेरी अंदर साइड है, तेरी नहीं निकलेगी भाई, हमारी पैसन, चलो ये हमारी पैसन तो, हमारी पैसन तो हमको मिल गई है, ये रही पैसन हमारी, गाड़ी निकालते हैं और उसका चलते हेलमेट पहले कैमरा फिट करते मैं, ओके राजस्थान आ चुके हैं और क्या निकाल, राजस्थान नहीं राजस्थान इधर है भाई, इधर की बिल्डिंग बहुत प्यारी लग रही है भाई, अरे तो ये सारी बिल्डिंगें मिला के ना सब प्यारी लग रही है, द्वारिका परिसर यही है क्या, कोई पूछेगा तब बता दूंगा हाँ यहाँ पे शुद्धाकारी, अरे बापू की कुतिया भी है इधर, कुतिया कब आया है, पॉकेट में खाने आया था ना, हाँ अपने पैसे नहीं खाया हुआ, बर्तन धुलाने के लिए आया था,
पता है यार कि एक एक लड़का जो बिहारी हो क्यों जो बिहारी हो अजय कहाँ गया भाई अजय मूतने गया भाई सही बंदा है भाई साले के पास पैसे नहीं है भाई पैसे नहीं है पर शौक भाई भाई के नवाब भाई 500 रुपए होटल में लगा दिया लेकिन साला समोसे का नहीं दिए थे काम करता है भाई कौन सा समोसे खाएगा समोसे कौन सा खाएगा बना के भाई मैं तो पोहा खा लूंगा 15 रुपए का समोसा खाऊंगा समोसा और कुछ बस और समोसा बस खाएगा जल्दी कर लो भाई टाइम नहीं दिया तो मैंने 30 हाँ चल ठीक मिला ले और 30 कर देते तेरी माँ की बाप सुनो 3 कचोरी बाप ही बोल दे 2 प्याज कचोरी एक समोसा और एक पोहा भाई पापा ही बना के बोलना बना के और तेरा का तेरा कितना गया था 2 प्याज का छोड़ एक पोहा पोहा आ चुका हमारा अरे डलवाना नहीं डलवाना रेड ये मीठा है ना भैया मीठी खाता है वो हाँ वही वाला भैया देख रहे जितना जो मिल रहा है वो खाना अमन बोल दो दे जो मिल रहा है वो खाना चुपचाप बस क्या अजय लड़का है ना ओए भाई अजय लड़का है उसकी भरपाई हो रही सारी सुनवाई हो रही उसकी चलो उसको फटाफट खाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं अरे भैया से मैं एक झोला लूँगा क्योंकि इसमें सामान रख लूँगा जिसमें क्योंकि वो लोग तो आगे अपनी गाड़ी चले जाएंगे है ना मेरे को अकेले जाना पड़ेगा ना ये घर तक तुम सीधे निकल जाओगे फिर आगे गिरेगा भाई वो टांग लेना अरे नहीं टांग पानी देना तू तो पीता नहीं ना पानी ठंडा है पानी हाँ तो पीता नहीं ना मत पी फिर पी दे भाई भरना और पिला देना यार पिलाएगा भाई चाय के चक्कर में 200 पेट्रोल बर्बाद करवा रहा है क्या लाया है ला दे क्या लाया सिग्नेचर हाँ ला दे कि मंगा रहा तेरे से ओए बोला था इसको चिल्ला के स्कूटी लेके जाना चिल्लाया तो नहीं जाता भाई माँ कसम छाती में लात मार के छाती 10 टुकड़े कर दूंगा चलो जी यहाँ से निकल रहा है भैया तो दोस्तों भोजपुर से घर आ चुके हैं और घर आते से भाई हमारे घर की लाइट चली गई और तो और वाईफाई भाई आज तक नहीं सुधरा 7 दिन हो गए हैं 7 दिनों में वाईफाई नहीं सुधरा है तो आज से हो सके एयरटेल के वाईफाई को अलविदा कह देंगे देखते अभी अगर जियो का वायर लगे लगवाएंगे तो इसका एक बॉक्स आधा से बॉक्स लगेगा तो वो लगवाएंगे तो बस अभी थोड़ा सोच रहा था मम्मी के थोड़ा सा कुछ लेने जाना था खाने के लिए मम्मी का उपवास है तो अभी बाहर पानी की तरह जा नहीं सकता जैसे पानी में तो कोई जाऊंगा थोड़ा बहुत आप लोगों को छूट करके दिखा दूंगा ओके तो अभी हम घर से निकल चुके थे मम्मी का सामान लेके जो फास्ट वाला है ये थे नारियल पानी वाली लेके घर आ चुके हैं क्योंकि अभी बाहर पानी हो रही थी पानी गिर रहा था मतलब कि तो मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया है मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत नॉर्मली सूट कर लेते हैं ठीक है अभी चलते हैं मस्त यहाँ से घर ओके और घर पर जाके आप लोगों को डर करते हैं।